परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के सेना पर दिए गए बयान पर राजनीति गर्माती जा रही है। इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोहन भागवत को आड़े हाथों लेते हुए इसे हर भारतीय का अपमान बताया है, क्योंकि ये उन लोगों का अपमान है जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान गंवाई है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे शहीदों और सेना का अपमान करने के लिए मोहन भागवत को शर्म आनी चाहिए। आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर में भागवत ने कहा था कि सेना 6 महीने में जितनी मिलिट्री तैयार करेगी, संघ 3 दिन में तैनात कर देगा। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ने भागवत के बयान की निंदा की है। विवाद बढ़ता देख आरएसएस ने बचाव करते हुए कहा कि मोहन भागवत ने सेना से संघ की तुलना नहीं की है, बल्कि ये कहा कि आम लोगों को सैनिक बनाने में 6 महीने लगते हैं, अगर सेना ट्रेनिंग दे तो 3 दिन में स्वयं सेवक सैनिक बन जाएगा। मिलिट्री जैसी डिसिप्लिन हमारी है, और अगर देश को जरूरत पड़े और देश का संविधान कानून कहे तो सेना तैयार करने को 6-7 महीना लग जाएगा, संघ के स्वयंसेवकों को लेंगे 3 दिन में तैयार हो, ये हमारी क्षमता है। लेकिन हम मिलिट्री संगठन नहीं है, पैरा मिलिट्री भी नहीं है, हम तो पारिवारिक संगठन है। Hi guys, this is Alia Bhatt, you're watching Expose India, keep watching।